两个，对两个，让这样。बस बस सेंटर सेंटर थोड़ा है भाई जो सेंटर में बड़ा पीछे आ जाए सब ना 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 दस लोग आप लोग किसके साथ हो साल भाई यहाँ पे चालू कर दिया चालू कर लोगे हो गया हेलो निया जी कैसे हैं आप अभी पर मैम यहाँ पे क्या और राहुल मैम मैम आ रहे आ रहे हैं नहीं अभी हाँ जी तू भाई अरे सुना ना भाई मैम सबसे पहले तो बोलना चाहूंगी यू आर लुकिंग गॉर्जियस जानना चाहूंगी आज के लुक के बारे में और क्या कुछ बताना चाहेंगे आज की शाम के बारे में आई जस्ट वांट टू से आई वांटेड टू लुक गुड सो थैंक यू जैसा ये मौसम है वैसा मुझे लगना था सो आई थिंक एंड सो गरबे की आई थिंक ये सीजन है सो द फेस्टिविटी टाइम गिव्स यू मोर किक अबाउट गेटिंग रेडी सो आई थिंक वो मुझे भी ना थोड़ा शौक चढ़ गया गरबे जैसा रेडी होने के गरबे की का सीजन सो नवरात्रि राइट द नवरात्रि लुक द गरबा लुक ऑल दीज तो आई लाइक ऑल दीज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड आई लाइक गेटिंग रेडी एंड आई लाइक द मेकअप एंड हेयर एंड एवरीथिंग आपका जो सॉन्ग आ रहा है अपकमिंग उसके बारे में जानना चाहूँगी क्या कुछ बताना चाहेंगे इट्स नॉट माई सॉन्ग राहुल हैज संग दिस सॉन्ग एक्चुअली गरबे की रात है सो बट ही संग इट वेरी ब्यूटीफुली और जो शूट भी हुआ है दैट ऑल्सो इज बिन ट्रमेंडस एंड आई लव शूटिंग फॉर द सॉन्ग ओके और नवरात्रि के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है गरबा हाय व्हाट्स अप कहाँ चले गए मैं आई भाई तुम्हारे लिए यू आई विल फाइंड यू या आई केम आउट यू आई थॉट प्रॉब्ली यू वर गेटिंग रेडी इसलिए कैसे हैं आप बढ़िया गुड टू सी यू आई लाइक योर ऑरेंज कैंडी लुक आई नीड टू से साथ में बाय करता हूं साथ में बाय करता हूं आई डोंट नो व्हाट दिस इज This is amazing. Okay, thank you. So, sir, आपके गाने की बात चल रही थी आप क्या कुछ बताना चाहेंगे मैंने क्या क्या बताया मैंने इनको बताया that you sang it, you composed it, and you sang it very, very beautifully, and I love shooting for it. चलिए तो मैं बता देता हूँ कि जब ये आई एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट वो एनर्जी लेके आई जो हम इस गाने के लिए ढूंढ रहे थे शी इज गॉट इनमें बहुत ही कमाल की एक एनर्जी है और इनके इनको देख कर ना एक आप में ऊर्जा आती है एंड बहुत बढ़िया इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है एंड जिस तरह की हम एक कास्टिंग चाहते थे वो एग्जैक्ट यही थी एंड हम एक्चुअली पहले किसी और गाने के ऊपर काम करने वाले थे बट वो हुआ नहीं और वो कहते हैं ना जिंदगी में जो चीज़ें लिखी होती हैं वही होती हैं बट आई एम वेरी हैप्पी शी हैजंट सीन द वीडियो आई हैव सीन द वीडियो ऑल्सो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ निया कितनी भी अच्छी लगे ना पोस्टर में लड़कियों को प्रॉब्लम होता है कि यार ये नहीं होता वो नहीं होता कितनी अच्छी लग रही है आप लोग मानते हो अच्छा लड़कियों को ये पता नहीं क्यों उनको नहीं अच्छा लगता कि यार अच्छा है दे कांट बिलीव दैट दे आर लुकिंग रियली रियली गुड सो आई वांट टू टेल यू दैट यू लुक्ड फैब इन द पोस्टर एंड आई कांट वेट फॉर यू टू सी द वीडियो बिकॉज वीडियो हैज टर्न्ड आउट टू बी फैंटास्टिक अभी उधर है वैनिटी में सो शूट करने में कितना टाइम लगा और कैसा रहा उस टाइम का एनवायरमेंट शूट करने में क्या कुछ एंजॉयमेंट हुई ये जानना चाहूंगी एक साल सॉन्ग बनने हुए हाँ हाँ शूट करने के लिए एक साल नहीं लगा बट गाना हाँ पिछले नवरात्र के वक्त मैंने बनाया था बट मैं सडनली बिग बॉस में चला गया एंड फिर वो गाना नहीं हुआ बट इस साल हमने सोचा कि उसको पिक्चराइज करेंगे एंड यू वोंट बिलीव आई थिंक 12 घंटे के अंदर हमने शूट किया मतलब इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई रियली हैड अ गुड टाइम शूटिंग और बिल्कुल प्रिसाइज आवर्स में खत्म हो गया सॉन्ग यूजुअली म्यूजिक वीडियोस दो दो दिन लगते हैं मुझे समझ में नहीं आता क्यों लगते हैं और एक दिन में भी स्क्वीज करते हैं तो वो भी 15-16 घंटे कहां जाते हैं यू नेवर नो राइट बट दे वर राइट वन टाइम आई थिंक वेरी वेल
organized. बढ़िया था, हेक्टिक था. Did anybody talk about his look, the candy, the orange or Funzo mango? Do you like? बचपन में वो orange candy नहीं आते थे, बच्चे उसको खाते रहते थे, मैं वही उसकी याद आ रही है, उसको देख के. Thank you. But this doesn't look like Garba special. ठंडी. Actually, मेरी जो Garba special की jacket वो फट गई. तो दिस इज़ द ये सच्चाई है जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए. मैं एकदम ऐसे इनको मैचिंग ऐसे Garba जैकेट यहाँ पे शीशे वीशे वो सब जैकेट पहन रहा था, बट जब मैं ट्रायल करने गया आई थिंक वो थोड़ी सी वो हुई थी, तो इसलिए दिस इज़ द लास्ट मोमेंट आउटफिट, बट आई थिंक इट्स लुकिंग ग्रेट. राइट, यू लाइक द ऑरेंज कैंडी? या. सो व्हाट इज द यूएसपी पॉइंट ऑफ योर सॉन्ग? प्लीज व्हाट इज इट, प्लीज टेल मी, यू शुड से यूएसपी, द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ द सॉन्ग इज राहुल वैद्य. Oh, I think she's very sweet. I mean, and let me tell you that I think this is the first time hum mile. Hum aise acquaintances as acquaintances hum mile, but this is the first time we actually work together and bada cool sa tha. Obviously, pehle din jab milte hain to thodi si wo ek teething issues hote hain, pehli baar kisi ko milte hain. But uske baad I think it's very easy breezy. Bahut maza aaya. And I think she's very sweet and gracious to say I am whatever the USP. We've all worked very hard for it and she's looked beautiful. Her expressions, her energy has been on point. बहुत मज़ा आया. एंड जेन्युइनली बताऊँ, एज एन आर्टिस्ट आई रियली कांट वेट कि ये गाना कब बाहर आएगा. बिकॉज आपकी बॉन्डिंग तो ऑडियंस भी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेताब है. ये टॉक शो है कि बाइट है? तुमने पूरा टॉक शो बना दिया. सो लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप दोनों? बस हमारा गाना देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड दैट्स इट. एंड 8 को गरबा करेंगे. हाँ, 8 को साथ में गरबे की रात. थैंक यू. Hey, God, you're me.